पश्चिम बंगाल चुनावी संग्राम अब थम गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में खेला हो गया। भाजपा की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से बहुमत से सत्ता में वापसी कर ली। बंगाल की जीत को लेकर खीर में नमक खाने जैसी स्थिति उस समय हो गई जब पता चला कि पार्टी जीत तो गई है लेकिन टीएमसी से प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव हार गई। ऐसे में सबके मन में यह सवाल है कि अब वो कैसे मुख्यमंत्री बनेगी और कैसे बना जा सकता है और क्या है इनके नियम। बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी के सामने उनके पूर्व सहयोगी और भाजपा प्रत्याशी सुभेदु अधिकारी मैदान में थे। सुभेदु अधिकारी ने 997 वोटों से ममता बनर्जी को हरा दिया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी चुनाव तो हार गई लेकिन राज्य में उनकी पार्टी ने तीसरी बार बहुमत से सत्ता में वापसी की। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि पश्चिम बंगाल की कैसे बनेगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कैसे वहां की सत्ता को संभालेगी। मुख्यमंत्री बनने के लिए यूं तो विधानसभा या विधान परिषद जिन राज्य में दो सदन है उसका सदस्य होना जरूरी है। अगर विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है तो शपथ लेने के 6 महीने के अंदर सदस्य बनना जरूरी होता है। नियमों के मुताबिक प्रधानमंत्री पद की शपथ बिना विधायक रहते ली जा सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री को 6 महीने का वक्त मिलता है। इस तय समय सीमा के अंदर उसका प्रधान विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा।